आपको कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते हो, उसने मेरे को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी। मेरे अपने आप पे प्रश्न उठा रहा था कि क्या मेरे में कोई कमी है, क्यों मेरे परिवार के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो नेचुरल है था मोहन यादव के इस एक साल के कार्यकाल में ये चीज याद रखने लायक, एक भी नहीं बता पाते, खुद मोहन यादव भी नहीं बता पाते। ये कमोबेश किसी भी राज्य में हम जाए, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार भी हो, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कमोबेश ये स्थिति जो है पूरे देश में ऐसी है। बात बिल्कुल सही है आपकी, शिवराज जी तो उच्च स्तर के नेता जिन्होंने प्रदेश को गर्त में ले गए, ये उनके भी एक कदम आगे बढ़ गए। जब मेरे पास पार्टी आई तो मैं जिससे भरोसा करूँ वो विश्वासघात कर रहा है। क्राइम कितना भी बड़ा कोई कर ले, अगर ताकत है उसके पास तो फिर उसको प्रोटेक्ट करता है समाज। धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा, बटोगे तो बटोगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र। अभी हाल ही में दो उपचुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश में, और जिसमें विजयपुर की जो सीट है वो कांग्रेस ने जीत ली है। बुधनी की जो बहुत प्रतिष्ठित सीट थी उसमें भी जो मार्जिन था वो बहुत कम रह गया है बीजेपी और कांग्रेस का जो अंतर है वो। और उसके बाद पहली बार बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे इसी पे कमेंट चाहूंगा, ये जो क्योंकि मेरी आपसे बात हुई थी विजयपुर के चुनाव के ठीक पहले, और आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हम ये चुनाव निकाल रहे हैं, तो पहले विजयपुर और बुधनी, इस पे दोनों पे आपका क्या टेक है? बात ये है कि विजयपुर की जनता ने मैंडेट दिया है इस बात पे, जो दल बदल होता है, जो इलेक्शन के बाद विधायक एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाता है, उसको अब जनता धीरे धीरे मैसेज देने लगी है कि ये गलत हो रहा है। दूसरा, जो एक साल पहले भारी बहुमत मिला था बीजेपी को, उसमें गेहूं के दाम की बात थी, 5 गारंटियां मोदी की थी, 3000 बहनों के थे, धान के दाम की बात थी, बीजेपी ने एक पूरा नहीं किया, तो मैंडेट है पूरा करो। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे थे कि ये एक सीट से कोई अंतर आने वाला नहीं, बीजेपी की सरकार चलेगी, मोहन यादव ही मुख्यमंत्री रहना भी चाहिए, अच्छी सरकार चले, हम भी उनका सहयोग सकारात्मक करें, पर अल्टीमेटली लगाम लगाओ। तो जनता ने लगाम लगाई, मैसेज क्लियर है। कांग्रेस के वर्करों के लिए भी मैसेज है कि आप लड़ो, आपको भूमिका मिली है विपक्ष की, आप मत डरो, अगर आप लड़ोगे तो पब्लिक आपको देख रही है, जो मैंडेट देती है जनता हमें हराती है जिताती है, सोच समझ के देती है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। तो जनता ने हमें भी मैसेज दिया है कि हम सड़क पर आए और जनता की आवाज़ को सरकार को मजबूर करें। मैं तो ये सब दो तीन मैसेज पार्टी के लिए है, जनता के लिए है और सरकार। मैं कांग्रेस ने जो प्रतिष्ठा हासिल की है चुनाव को जीतने के बाद, उसको मैं कम करके नहीं आंक रहा हूँ, आपकी मेहनत को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन कुछ विश्लेषकों का ये भी मानना है कि कास्ट इक्वेशन ऐसा हो गया था वहाँ पे। तो जो परिवार के लोग ये कहते हैं कि कास्ट इक्वेशन, तो बुधनी में तो 1,42,000 से हमारे थे, और जो करार वोट है वो तो बहुत इतने नहीं है कि इतनी बड़ी मार्जिन को कम कर दे। वो तो यही मैसेज था कि बीजेपी ने जो कहा वो किया नहीं, शिवराज जी ने जो कहा वो किया नहीं, झूठ बोले, बार बार बोले और अब भी बोल रहे हैं। तो उन्होंने मैसेज दिया कि आपने किसान सेंट्रिक, आपने मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसान मेरा भगवान है, तो उन्होंने कहा तूने किसान पुत्र हो, आपने आपका भगवान है क्योंकि आप झूठ बोलते हो। सही, विजयपुर में भी अगर आप माइन्यूटली चेक करेंगे तो वहाँ दलित वोट है, मोची समाज का, किरार समाज का, अपने अहिरवार समाज का, वो कांग्रेस के पक्ष में, SC का जो वोट के साथ साथ जो कुशवा वोट है वो आया, अदर सारी 36 कोमों के वोट आए, एक कोम जो रामनिवास जी खुद जिसके उसको छोड़ दे, तो सब कोमों ने वोट दिया, तभी तो जीते, नहीं तो 50,000 की जीत थी, तो लूट था सरकार। मैंने कहा डाकुओं का उपयोग हुआ, हथियारों का उपयोग हुआ, पुलिस ने की वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को CRPF की वर्दी पहना दी कि वोट नहीं डले, यहाँ तक कि पुलिस ने गमछे डाल लिए, कलेक्टर के खिलाफ हमने शिकायतें की, हमने SP के बार बार की, हर बार की, आपने भी बताया था। तो प्रशासन जो लड़ रहा था, 50 करोड़ जो लड़ रहे थे, नरेंद्र तोमर जी एक प्रशासनिक पद पे होने के साथ साथ 20 दिन तक 200 मीटिंगें उन्होंने छोटी छोटी हर गांव में ली, तो ये सब जो मर्यादा होती है उसको पूरी को तार तार किया, उसके बाद जनता का मैंडेट है। अगर फेयर चुनाव होता तो वहाँ 50,000 से जीतते, और फिर चुनाव होता तो बुधनी भी 15,000 से। अच्छा, तो आप इसका क्या, आपकी बातचीत का अर्थ ये निकालना चाहिए कि एक साल में मोहन सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई और अब लोगों का मन सरकार से उचटने लगा? नहीं, पर एक केस ऐसा बताओ आप, मतलब मैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपसे पूछना,
कि मोहन यादव के इस एक साल के कार्यकाल में ये चीज याद रखने लायक है, एक भी नहीं बता पाते, खुद मोहन यादव भी नहीं बता पाते। मोहन यादव जब से आए, जब से हर रोज 100 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज का क्या होता है, इवेंट होते हैं, विज्ञापन होते हैं, उसका क्या होता है, टूरिज्म, इंग्लैंड का टूरिज्म चल रहा है, उसका क्या हवाई जहाज का किराया 3 करोड़ रुपये मंथ देना पड़ता है, उसका क्या होता है हेलीकॉप्टर का या सरकार की अय्याशी का उसका खर्चा होता है। कोई रोजगार इस पूरे कर्जे से मिला हो तो सरकार आंकड़े दे दे, मोहन यादव जी दे दे, मतलब कुल मिला के सबसे एक भी मोहन यादव जब से आए हैं, शिवराज जी तो थे ही बहुत उच्च स्तर के नेता जिन्होंने प्रदेश को गर्त में ले गए, ये उनके भी एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ जनता देख रही है। लेकिन आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, सरकार तो लगातार ये कह रही है कि हम 1 लाख नए पद सृजन कर रहे हैं, भर्तियां हो रही हैं, तो जो मेरी बात सुन रहा है, अभी इन्वेस्टर मीट लगातार चल रही है, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो सीएम बाहर गए हुए हैं, विदेश यात्रा पे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, वो तो लगातार अपने सारे प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर मुख्यमंत्री को करना पड़ता है, पर रिजल्ट क्या, परिणाम क्या है? जो 10 सूत्र के माध्यम से मेरी आवाज़ सुन रहा है वो महसूस करता है कि मेरे परिवार के बच्चे को रोजगार मिले तो मुझे गलत बता, पड़ोस के को मिला तो मुझे गलत, आपके जान पहचान वाले को मिला तो मुझे गलत बता। कोई एक व्यक्ति रोजगार के नाम पे सरकार द्वारा संचालित होके या सहयोग से किसी को रोजगार मिला हो तो मैं गलत, जो सुनने वाला दर्शक है वो आकलन करे, और अगर नहीं मिला है तो हर घर की यही आवाज़ है। लेकिन जो आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये कमोबेश किसी भी राज्य में हम जाएं, चाहे वहाँ कांग्रेस की सरकार भी हो, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ या ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये किस सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन कमोबेश ये स्थिति जो है पूरे देश में ऐसी है। नहीं, बात ये है कि बात बिल्कुल सही है आपकी, पर एक एक सरकार वो है जो 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखा के सरकार में आई, 2.5 लाख रोजगार का सपना दिखा के सरकार में आई। शिवराज जी जब थे उन्होंने कहा था पहले साल में 2.5 लाख रोजगार दूंगा, इस साल में कौन सा एक रोजगार के लिए सरकार ने कोई विज्ञप्ति जारी की बता दें। ये नरेंद्र मोदी जी का तो सर्वव्यापी है, विश्वविख्यात है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। तो एक सरकार, एक पार्टी, एक विचार ये वादा करके आती है कि हम आपके बच्चे को रोजगार देंगे, वो चाहे नौकरी दें, चाहे प्राइवेट सेक्टर में दें, चाहे सरकारी सेक्टर और तरीके व्यापार दें। धीरे धीरे व्यापार खत्म हो रहा है, धीरे धीरे छोटे व्यापारी खत्म हो रहे हैं, किसानों की आय घट रही है, किसान कर्जदार हो रहा है, किसान के बच्चे खेती नहीं करना चाहते हैं, मजदूर जो है वो भी घर बैठे खाना चाहता है, तो उसके पास भी उस तरह के काम करने की कोई नई इनोवेटिव सरकार ने कोई ऐसी चीजें नहीं की। आपके हिसाब से नॉन परफॉर्मेंस गवर्नमेंट है मोहन जी का? 500%। अच्छा, आपके भी लगभग 10 महीने पूरे हो रहे हैं, 2 महीने बाद आपके भी 1 साल हो जाएंगे, आपका टेन्योर कैसे है? हमको ऐसा लग रहा था कि बहुत इतना। मोहन यादव जी का जो कार्यकाल था वो सरकार और उसकी उसका एक ताकत होती है उसका, और मेरा जो कार्यकाल है वो बहुत संघर्ष और बहुत एक तरह की अद्भुत अकल्पनीय यातनाओं का भी था। ये थोड़ा सा यातना क्या थी बताइए ना, हमसे शेयर करिए, हमारे यूजर्स देखेंगे, समझेंगे। मीन्स ये था कि किस पे भरोसा करूँ, किस पे नहीं करूँ, किस दौर में था? मैं जब मेरे पास पार्टी आई तो मैं जिससे भरोसा करूँ वो विश्वासघात कर रहा था। तो कल्पना करो कि ऐसी परिस्थिति में पूरे संगठन को संभालना है, तो मैं कैपेबल होगा, मेरे में कोई योग्यता होगी, जब भी पार्टी ने मुझे चुना होगा तो मैं मेरे अपने आप पे प्रश्न उठा रहा था कि क्या मेरे में कोई कमी है, क्यों मेरे परिवार के लोग इतना छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो नेचुरल है ना, स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, इंसानी फितरत है कि ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं, उस दौर से हम निकले हैं और अच्छे दौर में भी जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने बोला कि यातनाओं से पकड़ा 10 महीने मेरा भी, 10 महीने नहीं, कुछ इसमें आपको कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहते कि उसने मेरे को बहुत पीड़ा पहुंचाई थी, कोई एक इंसिडेंट ऐसा जिसको सबसे ऊपर रखते हो? नहीं, तो पीड़ा वीड़ा तो किसी से नहीं हुई, जो आज समस्या आई ये समस्या है, इसके समाधान के प्रयास करो, प्रयास में कुछ नहीं मिला है तो उससे आगे बढ़ो, जो घाटा नुकसान होना था हो गया, उससे बढ़ के आगे, ये एक कहानी है। देख, एक जरूर था कि इंदौर में हमने एक नए लड़के को टिकट दिया, सबने सोच समझ के दिया, और ये देखा है कि यार इसमें कुछ ये लड़ने की खूब इच्छा शक्ति भूख थी, और उसने क्या किस परिस्थिति में, मतलब पीठ में छुरा नहीं घोपा, अल्टीमेटली मतलब इसको शब्द दूँ अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बहुत विश्वास के साथ जहाँ उसको भेजा गया वहीं बलात्कार कर, उसने उस तरह की पूरी कृति की, तब मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने सोचा कि अल्टीमेटली जब मेरे को 2-3 दिन नींद, मैं पहले भी स्वीकार कर चुका,
तो आपके ये जो इमोशंस थे, ये जो अभी आपने हाल में भाषण दिया जयपुर के जो रिजल्ट आया उसके एक दिन पहले, तो वहाँ वो झलका, वो आपका दर्द नहीं, नहीं, वो तो मैं भूल भाल गया, मैं तो मिला भी नहीं, नाम भी नहीं लिया। नहीं, मैं अक्षय मंत्री की बात कर रहा हूँ, 10 महीने का आपका नहीं, मैंने नहीं, नहीं, हमने हमारी पार्टी में जब बात करते हैं तो नेचुरल है, वास्तविकता की बात करनी पड़ती, परिस्थिति की आगे की संभावना क्या हो सकती है। हम एकदम से उठ के सूरज तो पकड़ के नहीं ला सकते ना, उसके जाने के लिए सीढ़ियाँ बनानी पड़ेगी, क्या हो सकता है, रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। तो मैंने वास्तविकता में पार्टी में क्या होना चाहिए उसकी बात आपस में। अच्छा, थोड़ा सा आप जो कि राहुल गांधी के बहुत नज़दीक हैं और आप चीज़ों को देख रहे हैं, मैं समझना ये चाहता हूँ कि कांग्रेस आज जहाँ खड़ी हुई है, लोकसभा इलेक्शन में ऐसा लग रहा था कि रिवाइव करेगी जिस हिसाब से परफॉर्म किया था और जैसा बीजेपी को नीचे ला के रोका था एनडीए को, लेकिन इसके बाद हरियाणा हुए, उसके बाद महाराष्ट्र हो गए, आपको झारखंड में मना कर दिया कि हम डिप्टी सीएम नहीं देंगे, आपको क्या लगता है ये संघर्ष कैसे ऐसे ही चलता रहेगा या कुछ आपको उजले किरण दिखाई दे रही है? ऐसा है कि आनंद जी, ये राजनीति एक विश्वास और एक मर्यादा की चीज़ थी हिंदुस्तान में। धीरे धीरे जब से नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तो आप देखो कि जो एथिकली जिनके लिए विचार होता था, बातें होती थी, कोई गलती हो तो उस पर सवाल मीडिया करती थी, जनता करती थी, एक इंटेलेक्चुअल विचार बनाने वाले व्यक्ति करते थे, वो सब एक तरह से समान है। अब दौर अलग तरह का है। क्राइम कितना भी बड़ा कोई कर ले, अगर ताकत है उसके पास तो फिर उसको प्रोटेक्ट करता है समाज, व्यवस्थाएं, परिस्थितियां, मतलब मीडिया भी उसमें एक हिस्सा है। जब से नरेंद्र मोदी जी आए, नया भारत बना, तब से मोदी मीडिया को नाम मिला गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये इससे पहले कभी नहीं मिला था। जो परिस्थितियाँ हैं उसमें लोकतंत्र में जो कोर्ट होती है उसके भी कई फैसलों पे सवाल उठते हैं और वो बाहर से देखें तो अनजस्टिस दिखता है। ऐसे ही जो स्वायत्त संस्था है, चुनाव आयोग, उसको पहले भी बायस्ड कहा जाता था। ऐसा नहीं कि मैं आज बीजेपी है तभी, पर इतना भयंकर एक तरफा कभी नहीं रहा। मतलब तोता पहले कहते थे, अब ये समझ लो कि उसके घर की चिड़ियाँ हैं, मोदी जी के घर की चिड़ियाँ हैं। अब आप देखो कि जो 600 से ज़्यादा विधायक जनप्रतिनिधि, इससे पहले देश में कभी हुआ ऐसा, दुनिया में कहीं हुआ जो विधायक दल बदल कर गए? 50-50, 40-40 विधायक दल बदल रहे हैं, 20-20 विधायक दल बदल रहे हैं। मतलब वो पीछे से कहानी आती 50-50 करोड़ दिए, फिर कहानी आती अडानी जी ने मीटिंग करा दी, इससे पहले तो ऐसा नया भारत नहीं आया था। तो ये परिस्थितियाँ हैं, ग्राउंड ऐसा है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी को सर्वाइवल करना है और इसके लिए जैसा ग्राउंड है वैसा खेलना है। तो जब जैसा ग्राउंड है वैसा खेलना है तो उसके लिए पार्टी को अपने आप को तैयार करना है। अब रही मार महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, जैसे महाराष्ट्र की बात है या झारखंड की बात है या और एक सहज है, नेचुरल है कि ईवीएम को लेकर अविश्वास पैदा हो रहा है, अविश्वास पैदा, सवाल खड़े हो रहे हैं, और समय समय पर एक बार बीजेपी ने भी सवाल खड़े किए, आडवाणी जी ने भी किए। तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र है विश्वास का नाम, राजतंत्र और लोकतंत्र में जो बहुत बड़ा अंतर है वो है भरोसा, विश्वास। तो विश्वास कम हो रहा है व्यवस्था पर, तो ईवीएम बंद करनी चाहिए। अच्छा, आपने एक अभी बात बोली कि सब मोदी आने के बाद विधायकों की खरीद पर बहुत ज्यादा हो गई है, 50-50 करोड़ पर दिए जा रहे हैं, तो आप नहीं मानते? आप नहीं मानते? नहीं, मेरा मानना नहीं, मानना बहुत ज्यादा मान्य नहीं रखता है। मैं आप जो की पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष, नहीं, परसेप्शन ऐसा है, हो सकता है परसेप्शन होगा ऐसा, मैं कोई किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक बात चल रही है वंशवाद की, परिवारवाद की, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान की संसद में ये पहली बार होगा कि एक ही पिता पुत्र, एक ही पति पत्नी के दो बच्चे एक साथ और माँ उनकी लोकसभा में रहेगी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या ये इशू नहीं बनेगा कल को? संविधान में क्या लिखा है? भारत का लोकतंत्र में संविधान, सबसे इस देश को, किसी भी देश को, संस्था को चलाने के लिए संविधान की बुक पवित्र होती है, उसमें क्या लिखा है? जिसको जनता चुन के भेज दे उस, वो हमारा जनप्रतिनिधि है। अब वो किसी के पेट से पैदा हो गया इसलिए वो जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता, ये तो संविधान का अपमान। आप संविधान की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक के मूड की। एक परिवार से 14 सांसद पहुंचे हैं अभी तक संसद के भीतर, गांधी परिवार से, और अब ऐसा पहली बार होगा कि दो सगे भाई बहन और उनकी माँ पार्लियामेंट में रहेगी। तो क्या आपको लगता है इससे कोई बेहतर विकल्प फाइनल के लिए हो सकता था? मैं समझना चाहता हूँ आपसे, इसी बहन के पिता ने शहादत दी, इसी पत्नी जो माँ है उसके पति ने शहादत दी, इसी भाई के पिता ने शहादत दी, दूसरा तो कोई नहीं दिखता ऐसा, दूसरा तो ऐसा उसकी दादी ने दी, दूसरा उसके दादा जो थे वो 14-12 साल तक जेल में रहे, दूसरा तो नहीं दिखता है। अगर इतने साल तक वो संसद रहे तो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इतने साल तक अगर रहना, तो एक भी एलिगेशन नहीं उस परिवार पर।
जिसको सिद्ध कर पाया 10 साल का नरेंद्र मोदी का शासन, कोई दूसरा परिवार तो ऐसा नहीं दिखता है। तो ये एक तरफ बोलना कि ये सब है कि वो 14-14 सांसद आ गए और ये तीनों माँ बेटे आ गए, और दूसरी तरफ है कि इतनी शहादत है, उसको रिकग्नाइज तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा दूसरा दिखे तो उसको भी करना। अच्छा एक चीज और बताइए आप, जो हम झारखंड की बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं या दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पार्टी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, बड़ा स्टेट है आपका, अब वहाँ पे कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर से खिसक के अब तीसरे नंबर पहुँच रही है। आमतौर पर बात कर रहा हूँ मैं, अलग अलग स्टेट की बात नहीं, आमतौर पर अगर आप देखें पहले नंबर पे एनडीए या बीजेपी, दूसरे नंबर की वहाँ की रीजनल पार्टी, और तीसरे नंबर पर फिर कांग्रेस। देखो देश का जो सिनेरियो आगे बनने वाला है वो कैसा है, एक है बीजेपी और मोदी और आरएसएस, दूसरे इसके अगेंस्ट सब, देश उस धारणा पे चल पड़ा है और ये बात करनी भी चाहिए। अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए तो मायावती जी ने यहाँ कैंडिडेट खड़े नहीं किए, अखिलेश जी ने जरूर कर दिया, पर अखिलेश जी ने मुझे फ़ोन किया कि जितनी इसको मैं कैसे भी कुछ करेंगे वो अलग अलग तरह के अलग, पर चुनाव के बाद उन्होंने ट्वीट भी किया, मुझे फ़ोन भी किया। इसका मतलब है कि सबकी सोच एक जैसी है। संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी के ने फ़ोन किया तो वो भी ये सोचते हैं कि एक साथ बीजेपी के अगेंस्ट देश को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी ने एक नया भारत बनाया है जिसमें उसके पास जो अर्थ है उसकी कमी नहीं है, उसके पास मर्यादा क्या होती है उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको, वो अपने सिद्धांत अपने हिसाब से अपनी, जैसे कौरवों के लिए कुछ नहीं था महाभारत की पूरी कहानी में, पूरे ऐसे कौरवों का रोल में अब बीजेपी के नेता, ये तो लंबी बात हो जाएगी अपनी कि हाँ। आपके इंडिया है वो कितना कर पा रहा है, मुलायम हाँ। आपके अखिलेश कितना कर पा रहा है, आपके साथ है संजय सिंह के दिल्ली के चुनाव आ रहे हैं। एक आपसे आखिरी सवाल करूंगा मैं, ये जो बात निकली कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए है ना, होनी चाहिए और उसके बाद लगभग उसी के काट में कटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है ये चल पड़ा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ये टैक्टिकल चूक हो गई कांग्रेस से, ये नहीं करना चाहिए या उतनी ताकत से इसको भी अभी आगे बढ़ाना चाहिए? धन्यवाद नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री होते हुए ये कहा बटोगे तो कटोगे। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये देश के सामने एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि इस देश में जब संसाधन किसके हैं तो स्वाभाविक है गरीबों का हक है, सरकार उनकी भी है, 5% 10% लोगों के पास संसाधन जा रहे हैं, ये आंकड़े हैं। जब जाति की बात होती है तो SC कितनी अमीर है कितनी गरीब है उसका आंकलन तो होना पड़ेगा, देश के ही लोग हैं वो, इसी धरती से पैदा हुए। ST का भी ऐसा ही है, OBC का भी ऐसा ही है। तो जो अपर कास्ट का गरीब है उसके हक की बात अगर राहुल गांधी जी करते हैं तो कोई गुनाह करते हैं? एक ब्राह्मण वो है जो देश का सब कुछ पाता है, और एक ब्राह्मण बेचारा गरीब है रोटी भी नहीं खा पाता, तो जो रोटी भी नहीं खा पाता उस ब्राह्मण की बात करना गुनाह हो गई? एकेडमिक कर रहे हैं लेकिन नहीं, हम व्यवस्थित कर रहे हैं कि पब्लिक, हम तो देखिए अल्टीमेटली जो लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जो वोटिंग होती है, वोट होता है उसके हिसाब से सही गलत मोटे तौर पर माना जाता है। बिल्कुल। तो क्या महाराष्ट्र में जो हो रहा है हुआ, तो फिर तो बीजेपी को लोकसभा में हार जाना चाहिए। राहुल गांधी एक मुद्दे को लेके गए थे, उसमें एक ही बात थी कि इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और संविधान का सम्मान होना चाहिए। उसके हिसाब से बीजेपी 304, अब की बार 400 पार का नारा था, 303 सीट थी, 140 आ गई, 240 आ गई, यानी वो हारी है, मोटे तौर पे हारी है। और दूसरों की दो बैसाखियाँ, दो बाबुओं की, चंद्र बाबू और नीतीश बाबू की, तो इसके मतलब तो फिर राहुल गांधी ठीक था अगर आपने जो सवाल है उसके हिसाब से देखें तो। तो ये कुछ चुनाव की क्या परिस्थिति होती है, कुछ चुनाव की क्या परिस्थिति होती है? तो जातिगत जनगणना इस देश की नीड है, आवश्यकता है। आप थोड़ी सी धारणा बनाओ, जब सती प्रथा होगी तब उसका विरोध होने लगा होगा, तो बहुत बड़ा वर्ग जो विरोध करने वालों के विरोध में खड़ा होगा, और वो छोटी संख्या होगी जो उसको सुधार की बात करते होंगे। और जो सती प्रथा को रेगुलर चालू रखना चाहिए वो आर्थिक संपन्न और बड़े वर्ग के होंगे। ऐसे ही छुआछूत का जब अम्बेडकर यहाँ आए होंगे तो उनके खिलाफ बात करने वाले कम होंगे, छुआछूत का समर्थन करने वाले ज़्यादा होंगे, पर किसी ने चालू की। ऐसे ही जो आज जो लोग नफरत फैला रहे हैं ये वही तो धारणा है जो ऊपर से नीचे तक आ रही है। तो कुछ लोग सुधार की बात करेंगे, ज़्यादा लोग उस तरह भी रहेंगे जो जहाँ अंधकार है। तो स्वाभाविक है राहुल गांधी उनमें से है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और देश के संसाधन पर सबसे पहले गरीब का अधिकार होना चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे जीतू पटवारी जी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात जो मध्यप्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोली कि 500% असफल CM रहे हैं मोहन यादव उनके कामकाज से, और 10 महीने बहुत परेशान रहे हैं, अक्षय बम ने उनको बहुत परेशान किया है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि अब सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं और उनकी जो पार्टी है उनका जो संगठन है वो ठीक रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।